Hello, students. So, we would continue with question number four in your unit number 11, getting ready for class 9th. Read the incomplete conversation between Sonia and Mehak. Complete it in a suitable way. Mehak says, So, how was the holiday, Sonia? Oh, it was fantastic. Everything dashed so well. We have to फिल इन द ब्लैंक्स कोई भी आप सेंटेंस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी तरह से वर्ड्स को सुटेबल वर्ड्स को यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इट वॉज फेंटेस्टिक एवरीथिंग वॉज सो वेल एवरीथिंग वॉज सो वेल एज सुन एज वी अराइव एट द एयरपोर्ट वी डैश टू द होटल वी वेंट टू द होटल आप यहां ये भी लिख सकते हो वी रश्ड टू द होटल हम जल्दी से होटल में गए ऑल द रूम्स वर क्लीं एंड फ्रेश फ्लावर्स वर डेकोरेटेड ऑन द टेबल्स मेहक सेज ओ हाउ लवली एंड व्हाट अबाउट द फूड सोनिया सेज इट वाज एक्सेलेंट इट वॉज कुट वॉज प्रिपेयर्ड लिख सकते हो इट वॉज कुटल किचन दैट वॉज स्पॉटलेसली क्लीन स्पॉटलेसली क्लीन मीन्स बिल्कुल साफ सुथरा था इवन बिस्किट वर सर्वड पैसी वॉयस में है वर सर्वड टू अस एवरी मॉर्निंग विद आर बेड टी मेहक दैट साउंड गुड आई मस्ट से आई वुड लाइक माई मील्स डैश फॉर मी फॉर अ कपल ऑफ वीक्स तो मैं भी चाहूंगी कि मुझे मेरा खाना इसी तरह से सर्व किया जाए आई वुड लाइक माई मील सर्वड दिस वे दिस वे मींस इन दिस मैनर ओके आई वुड लाइक माई मील सर्व्ड इन दिस वे फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एंड वॉट अबाउट द सराउंडिंग एरिया वॉज दैट नाइस come to the next page sonia says oh beautiful there were trips every day and we dash all the local sites and we enjoyed all the local sites there was so much history to see you would love it there honestly so in this way these are dialogue completion dialogues may blank to aapko. Uh, कोई भी सुटेबल वर्ड word या वर्ड्स आपने इसमें फिल करके कंप्लीट करना होता है डायलॉग्स को कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आई थिंक हमने ये पहले भी की थी ओके okay? तो अगर नहीं की आपने तो दोबारा कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स टू प्रोड्यूस अ मीनिंगफुल पैसेज वन हैज बिन डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है या वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है हमने I dash, I met Anita while I was working in London as a waitress. She used to dash in with a notebook. Waitress की तरह से मैं लंदन में काम कर रही थी तो Anita को मिली. Anita आया करती थी with a notebook. She used to walk in. जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती थी ये I वहां पे Anita आती थी walk in with a notebook and डैश इन द विंडो विंडो में हम क्या कर सकते हैं विंडो के पास खड़े हो सकते हैं स्टैंड इन द विंडो एंड डैश अवे लुक अवे हो सकता है ठीक है दूर देखा करती थी या फिर मूव अवे थोड़ी देर के बाद वो चली जाया करती थी वी यूज टू डैश अबाउट वी यूज टू वंडर अबाउट सोचा करते थे हैरान होते थे ये सोच के ठीक है वी यूज टू थिंक अबाउट थिंक लिख सकते हो वंडर लिख सकते हो वट इट वॉज लाइक वेन वी डैश स्टूडेंट्स, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स, एंड हाउ ग्रेट इट वॉज नॉट टू हैव एग्जाम्स एनी मोर हम uh, सोचा करते थे या हम हैरान हुआ करते थे कि ये कैसे हुआ करता था हम स्टूडेंट्स हुआ करते थे और कितना मजा आता था कि अब एग्जाम्स नहीं थे आई डैश सच सरप्राइज आई got such a surprise when the other day I dash her on TV, I saw her on TV. She was celebrities of international fame. She was one of the she was one of the celebrities of international fame. Next, read the following instructions being given by a teacher. There is one error in each line. हर एक लाइन में एक एरर है टीचर की इंस्ट्रक्शंस हैं ये अंडरलाइन द एरर एंड राइट द करेक्शन इन द स्पेस प्रोवाइडेड वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल द बस लीव एट द स्कूल एट नाइन ए एम यहाँ पर लीव रॉन्ग वर्ड है तो लीव आना चाहिए तो लीव हमारा फर्स्ट फॉर्म एस और एस है इसके अकॉर्डिंग हमारा पैसेज बनेगा एंड वी अराइव एट द स्टडी सेंटर बिफोर लंच वी प्लूरल है और अराइव्स सिंगुलर वर्ब लगा दी तो यहां आएगा अराइव वी अराइव एट द स्टडी सेंटर बिफोर लंच लंच आर टू बी सर्वड लंच सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए लंच इज टू बी सर्वड एट ट्वेल्व थर्टी शार्प सो मेक श्योर यू एंड योर फ्रेंड इज यू एंड योर फ्रेंड प्लूरल हो गया तो इज नहीं आर देयर इन टाइम वेन लंच फिनिश इट विल बी वेन लंच सिंगुलर वर्ब आएगा लंच के अकॉर्डिंग वेन लंच फिनिशेज इट विल बी एक्टिविटी टाइम इफ द वेदर्स इज फाइन इफ द वेदर्स इज फाइन वेदर्स नहीं होता इफ द वेदर अगर मौसम ठीक होगा इफ द वेदर इज फाइन वी कैन स्टेज ऑन द बीच कैन आपका मॉडल है तो उसके साथ एस आई एस नहीं लगता ठीक है सिंगुलर वर्ब नहीं लगती प्लुरल वर्ब लगती है वी कैन स्टे ऑन द बीच फॉर द होल आफ्टरनून ईच वन ऑफ यू आर अब ईच वन ऑफ लिख दिया ना तो इसके साथ आर नहीं ईच ऑफ वन यू इज एक्सपेक्टेड टू कीप अर्ड ऑफ वट यू फाइंड वट यू

I shall like to come and see you in Spain if I dash enough money. If I have enough money when summer holidays start. Okay. I dash try to come and come there. I shall. Ya up will be sakte ho. I will try and come there if that is. Okay with you, अगर आप चाहो ओके अदरवाइज आई विल कम ओवर इन दिकॉज आई विल हैनी बाई ऑक्टूबर प्रोवाइडेड ऑफकोर्स दैट आई स्टिल हैव माई जॉब सिर्फ इस शर्त पर कि अगर मेरी जॉब रही तो मुझे अक्टूबर तक बहुत सारा पैसा मेरे पास सेव हो जाएगा सीरियसली lots of people in our company dash being fired are being fired fired means job se nikala jana are being fired and it could dash me next and it could be me next next maybe bhi ho hu and it could be me next if i had dash sensible if i

We dash expecting it to be better soon. We are expecting it to be better soon. If it continues to be miserable, dash at the weekend. If it continues to be miserable, even at the weekend. Agar weekend pe bhi ye aisa hi raha, We dash take a trip to the hills. So we मस्ट लिख सकते हो वी मस्ट टेक अ ट्रिप टू द हिल्स या वी कैन uh, भी लिख सकते हो वी कैन टेक अ ट्रिप टू द हिल्स ओके मस्ट यहां पर ज्यादा बेटर है अगर ऐसा ही वीकेंड तक ऐसा ही रहा तो हमें ट्रिप uh, हिल हिली एरियाज की तरफ एक ट्रिप करना पड़ेगा ओके दैट इज द लेटर रिटर्न बाय शीला नाउ कम टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका जंबल्ड ऑर्डर में रीअरेंज करना है आपने इन जंबल्ड वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए ओके इस इस चीज को आपने बड़े ध्यान से करना होता है एग्जाम में भी कुछ बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की होंगी इसको करते हुए ओके सो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता क्या है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट आपको देखना पड़ता है कि इन वर्ड्स में से सब्जेक्ट क्या हो सकता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब लगती है या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब पहले हो और उसके बाद वर्ब हो ठीक है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब इसकी बारी आती है कई बार सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हो सकती है कई बार सिर्फ वर्ब हो सकती है और कई बार दोनों हो सकते हैं उसके बाद आपकी बारी आती है ऑब्जेक्ट की और ऑब्जेक्ट के बाद आपकी बारी आती है अदर वर्ड्स की अदर वर्ड्स में जैसे इन ऑन एट इस तरह से बिफोर आफ्टर इनके बाद आपके कुछ और सेंटेंस को कंप्लीट किया गया हो ओके okay? तो आपने बड़े ध्यान से सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है रीअरेंज करते हुए एग्जाम्पल इज गिवन आई वेटिंग वॉज माई फ्लाइट कार्तिक आई फॉर वेन मेट वेन जब ओके okay? जब क्या हुआ तब आई क्या कर रहा था या कार्तिक क्या कर रहा था ओके okay? तो आई दो बार आया है आई के साथ आप सेंटेंस शुरू करके देखिए आई वॉज वेटिंग फॉर किसकी वेट कर रहा था माई फ्लाइट की या कार्तिक की और किस क्यों मिला मैं किसी पर्सन को ही मिल सकते हैं तो कार्तिक से मिला और किसकी वेट कर रहा था माई फ्लाइट की आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट वेन आई मेट कार्तिक ओके okay. आप इसको रिवर्स भी कर सकते हो व्हेन आई मेट कार्तिक व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्लाइट जब मैं अपनी फ्लाइट की वेट कर रहा था आई मेट कार्तिक व्हेन व्हेन को आप यहां भी लगा सकते हो आई वाज वेटिंग फॉर माय फ्लाइट आई मेट कार्तिक या फिर आई मेट कार्तिक व्हेन आई वाज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट या फिर आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्लाइट वेन आई मेट कार्तिक ओके तो मीनिंगफुल है तीनों टाइप के आपके सेंटेंसेस नेक्स्ट बाय जेंटलमैन असाइकाट्रिस्ट अ थरो कार्तिक प्रोफेशन इज तो कौन है कार्तिक कार्तिक हेल्पिंग वर्ब इज क्या है कार्तिक अब यहां पे है एक साइकाट्रिस्ट है और एक थरो जेंटलमैन है ओके okay? और उसका प्रोफेशन है ठीक है तो प्रोफेशन क्या है अ असाइकाट्रिस्ट कार्तिक इज अ साइकाट्रिक बाय प्रोफेशन लेकिन ये वर्ड रह गए अथरोजेंटलमैन तो कार्तिक कौमा अथरोजेंटलमैन कार्तिक कौमा अ थरजेंटलमैन फिर से कौमा इज असाइकाइट्रिस्ट बाय प्रोफेशन कार्तिक कौमा अथरोजेंटल मैन कौमा इज असाइकाइट्रिस्ट बाय प्रोफेशन next godlike figure profession is when he it to his comes a when he comes nahi when he comes a godlike figure nahi aayega when it comes to his profession when it comes to his profession comma he is a godlike figure या फिर आप लिख सकते हो ही इज अ गॉड लाइक फिगर वेन इट कम्स टू हिज प्रोफेशन ओके नेक्स्ट वन हु आर मैनी डिप्रेस्ड पीपल बिकम वर्क आउट ऑफ ओके मैनी पीपल कौन से हु आर आउट ऑफ वर्क जो काम से जिनके पास कोई काम नहीं होता बिकम डिप्रेस्ड बहुत सारे लोग जिनके पास काम नहीं होता वो डिप्रेस्ड हो जाते मैनी पीपल हु आर आउट ऑफ वर्क बिकम डिप्रेस्ड नेक्स्ट वन कॉलिंग दे हिम टू रश फॉर हेल्प फॉर दे रश टू हिम calling for help. They रश to him, calling for help. या फिर आप एक तरह से और लिख सकते हो दे रश टू रश टू और उसके बाद कॉलिंग दे रश टू नो बेटर वो ही आपका दे रश टू हिम कॉलिंग फॉर हेल्प ओके नेक्स्ट वन डीलिंग विद ऑब्वियस वे ऑफ दैट अ यूनिक दम हैज इज ही इट अब इसमें अ यूनिक वे ऑफ किस चीज का अ यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद क्या डीलिंग विद डेम अब बाकी सेंटेंस को आप देखिए कैसे बन सकता है ही ऑब्वियस मीन्स क्लियर इट इज ऑबियस दैट ही हैज अूनिक वे ऑफ डीलिंग विथ देम या तो आप ऐसे कर सकते हो ठीक है या फिर आप कैसे कर सकते हो इसको दैट uh, से शुरू कर सकते हो दैट ही हैज यूनिक वे ऑफ डीलिंग विद इज ऑब्वियस इट इज ऑब्वियस कर सकते इसमें इट है ना तो इट इज ऑब्वियस है तो हम दैट से शुरू नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इट रिमूव हो जाता है ओके okay? तो हम इट से ही शुरू करेंगे इट इज ऑब्वियस ये बात क्लियर है दैट ही हैजूनिक वे ऑफ Dealing with them. Next one, last is so selflessly work the that he can amazing fact. The fact is that he can work. सॉरी uh, इसको हम कर सकते हैं दैट से शुरू करेंगे दैट ही कैन वर्क सो सेल्फलेसली इज अमेजिंग फैक्ट दैट से शुरू कर सकते हैं दैट ही कैन वर्क सो सेल्फलेसली इज अमेजिंग फैक्ट ओके या फिर हम ऐसे कर सकते हैं द अमेजिंग फैक्ट इज दैट ही कैन वर्क सो सेल्फलेसली द अमेजिंग फैक्ट इज दैट ही कैन वर्क सो सेल्फलेसली इन दिस वे यू विल ट्राई टू डू दीज दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस एंड अदर एक्सरसाइजेस ऑल्सो फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुक इट मे बी योर ड्रैव प्रैक्टिस बुक ऑल्सो नेक्स्ट यू विल ट्राई टू डू द कन्वर्सेशन इसको आप कंप्लीट करोगे एनी सुटेबल वे में जैसे हमने इससे पीछे वाली एक्सरसाइज को किया था यू विल ट्राई टू डू इट फाइन